इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे टीवी एक्टर आशीष रॉय की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। माइल्ड स्ट्रोक की शिकायत होने के बाद से ही आशीष हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, साथ ही हॉस्पिटल के बिल भरते भरते उनकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दिनों में अचानक आई इस परेशानी के चलते वो बीते कुछ समय से लगातार एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वही दिलचस्प बात यह है कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद अब आशीष रॉय बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस मुश्किल भरे वक्त में उन्हें सलमान भाईजान से मदद मिल सके। इस बारे में बात करते हुए आशीष रॉय ने एक वेब पोर्टल को बताया कि मेरा डायलिसिस अभी भी जारी है, उसके बाद भी मेरी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना समय जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे इलाज के बिल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बारे में गहराई से बात करते हुए आशीष रॉय ने कहा कि लोगों से मदद मांगने के लिए मैंने मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर की थी, ताकि मुझे सहायता मिल सके। अब तक मुझे कुछ खास मदद नहीं मिल पाई है। मेरे पुराने दोस्त सूरज थापर ने इस समय मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते ये नहीं हो पाया, और अब मुझे केवल सलमान खान से उम्मीद है। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सलमान खान का फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन मेरी मदद करे। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, डायरेक्टर बिजॉय नंबियार, सूरज थापर, सीआईडी के डायरेक्टर बीपी सिंह और एक्ट्रेस दिव्या ज्योति शर्मा जैसे लोगों ने आशीष रॉय की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिनकी मदद से आशीष रॉय अपने बिल चुकाकर घर तो आ गए हैं, लेकिन उनका इलाज अभी भी खत्म नहीं हुआ। घर आने के बाद भी उनको बार बार डायलिसिस का खर्चा उठाना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो अपने परेशानियों से उबरने के लिए सबकी मदद करने वाले सलमान खान से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अब देखना ये है कि क्या सलमान खान तक आशीष रॉय की आवाज पहुंच पाएगी। यूं तो भाईजान हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।